राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक जवान की बहादुरी को देश के राष्ट्रपति ने सम्मान दिए। झुंझुनू के बेटे को शौर्य को सलाम करते हुए देश के राष्ट्रपति ने उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा है। मंगलवार की शाम राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में झुंझुनू के सिपाही नीरज अहलावत को शौर्य चक्र से नवाजा गया। सिपाही नीरज अहलावत ने जम्मू कश्मीर में अपने शौर्य से आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम किया था। सिपाही नीरज को इस बहादुरी के लिए सेना के बड़े सम्मान से नवाजा गया। भारतीय सेना के जाट रेजिमेंट 34 बटालियन के सिपाही नीरज अहलावत को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में साहस और वीरता अपने कार्य को अंजाम देने पर शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुआना के मनोपुर निवासी सिपाही नीरज अहलावत को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। झुंझुनू के जवान नीरज अहलावत ने आतंकवादियों के आधुनिक राइफल्स को निष्क्रिय करते हुए उसे घायल करने में कामयाब रहे थे। चुनौतीपूर्ण हालातों में अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अदम्य साहस और कौशल का अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन किया था। एक शौर्यपूर्ण अभियान को अंजाम देने पर उन्हें सम्मानित किया गया। नीरज अहलावत साल 2013 में झुंझुनू मुई आर्मी रैली में भर्ती हुए थे और फिलहाल वे दिल्ली में तैनात है। शौर्य चक्र लेकर नीरज अहलावत बुधवार शाम को अपने गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने शौर्य चक्र विजेता नीरज अहलावत का बड़े शाही अंदाज में स्वागत किया। ग्रामीणों ने अपने बेटे का सम्मान किया। बुआना से मनोरपुरा गांव तक जगह जगह नीरज का सम्मान किया गया। इस दौरान युवाओं में देशभक्ति का जज्बा नजर आया। महसूस कर रहा हूँ इस चीज की कि मैंने अपने देश का, अपने देश की सेवा करी। मैंने जो घुसपैठिए थे उनके साथ लड़ाई की, उनको मारा और राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित किया गया। और अभी मौजूद मेरे भाई बंधु घरवाले और जो भी दोस्त हैं उन्होंने मुझे सम्मान के मत बहुत खुशी महसूस हो। और मैं इससे प्रेरणा लेकर और भी नौजवान इंडियन आर्मी की तरफ प्रेरित होंगे।